हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। सर, आज का लेक्चर टेपिकल वन है, पूरी ध्यान लगा के सुनो, ठीक है जी। और सर, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मेरे को फोन चलाता दिखा, बातें करता दिखा, तो लगा दो। अगर भाई जैसे मैंने इशारा करा पोज, बस समझ जाना बहुत तेज आवाज आने वाली है, दिवाली भी बन सकती है किसी के चेहरे पे, ठीक है जी। ठीक है, स्पेशली ध्यान रखना जरा, सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ ही है। और मेरी अटेंशन नहीं जानी चाहिए आज, बस यहाँ से ध्यान रख लेना। 7:15 बजे पूरे वाइंड अप कर दूंगा, पर मेरी अटेंशन नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने नोट्स वैसे इतने बनाए हैं कि 7:30 से भी ज्यादा बच चलेगा बैच। हाँ, ये लग रहा होगा कुछ नहीं है, अभी पिछला पोर्शन कुछ मुझे क्लियर करना है, कुछ रिवाइज करना है, ठीक है। और सुनने वाला भी काम अब मैं सबको करने वाला हूँ बेटा, क्योंकि आगे आगे दौड़ दौड़, पीछे पीछे छोड़ो छोड़ो, पकानी आपकी हमेशा से, ठीक है। फिर पूछते हो, अच्छा ये चैप्टर हो गया बच्चे, ये तो मुझे पता ही नहीं होगा। चलो जी, करते हैं भाई। बाबू, कल मैंने शुरुआत की थी, सामने देखो जी, अब मैं रिविजन करा रहा हूँ 3 से 4 मिनट में सारे। कल मैंने शुरुआत की थी एक टॉपिक से, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एंड द नॉन फैक्टर इनपुट, जिसको कॉस्ट भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है फैक्टर इनपुट पे या नॉन फैक्टर इनपुट पे, वही तो कॉस्ट होती है। फैक्टर इनपुट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन पे जो खर्चे होते हैं उनका नाम भी बता दो। लैंड पे राइट, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, प्रॉफिट। अबे यार क्या हो गया, ये भी याद नहीं आ रही। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को देते हैं रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बेटा, अगर आप इनको एक्चुअली में पे करो तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन कई बार बेटा ऑनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट ही इनका भी मालिक होता है, तो उसको पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि ये लैंड मेरे नाम रजिस्टर्ड है, मैंने रेंट भी नहीं, मेरी अपनी है, तो कोई अपने आप को रेंट थोड़ी एक्चुअली में पे करता है। तो ये कहता है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट निकालो, उसको कॉस्ट मान लो, देनी तो नहीं है, पर कॉस्ट तो, अगर ये जगह किराए की होती है तो कॉस्ट तो आती है ना। तो इंप्यूटेड वैल्यू निकालो, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू निकालो और कॉस्ट मान लो उसको। ये पे नहीं करी क्योंकि मैं खुद ही ऑनर हूं इस फैक्टर इनपुट का, ठीक है। सेम वे लेबर, मैं भी दे रहा हूँ, कश भाई भी दे रहे हैं, मेरी भी लेबर की भी कॉस्ट जोड़ो, इनकी भी जोड़ो और कॉस्ट मान लो। इनको मैंने एक्चुअली में पे किया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मैंने अपने आपको पे नहीं करा था इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद है तेरी बात, होगी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? फिर बेटा, दो तरीके के टाइम फ्रेम होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। बेटा लॉन्ग रन में मेरा कोई मुद्दा नहीं है, जब मैंने प्रोडक्शन फंक्शन कराया था तभी बता दिया था, इसके बाद जब मैंने वो टॉपिक छेड़ा था मैंने कहा था इसके बाद लॉन्ग रन की हम कभी कोई बात नहीं करेंगे, सारी बात शॉर्ट रन की करेंगे। और शॉर्ट रन में ना बेटा दो तरीके के फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो जिनको शॉर्ट रन में कभी नहीं बदला जा सकता, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। और वेरिएबल फैक्टर वो जिनको शॉर्ट रन में बदला जा सकता है, रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। बाबू, अगर मैं कोई कॉस्ट इनके ऊपर इनकर करता हूं तो उसको मैं बोलता था टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, और कोई कॉस्ट मैं इनके ऊपर इनकर करता हूं तो उसे बोलता था टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। और इसके बाद टोटल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर में मिलाकर खर्ची जाती है, यानी कि बेटा टीवीसी और टीएमसी, ठीक है। क्या होती है टोटल फिक्स कॉस्ट? विच रिमेन्स फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो हमें मतलब नहीं है, कॉस्ट फिक्स रहती है, ये होती है फिक्स कॉस्ट। याद है बात? एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, मैंने कल एक दो एग्जाम्पल दिए थे, मैं दो चार और दे देता हूँ, बढ़ाते हैं एग्जाम्पल अपना थोड़ा सा एक्सपर्टीज और बढ़ाते हैं, एक्सपोजर लेवल और बढ़ाते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो बेटा यहाँ हॉजरी गुड्स ही बनते हैं और ये जगह रेंट पर है, ठीक है, और इसका रेंट जाता है 20,000 रुपये महीना। बाबू ये फिक्स्ड कॉस्ट है, मैंने यूनिट अंदर बैठ के 0 बनाई, मेरे लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं 20,000। मैंने 1 बनाई 20,000 जाएगा, मैंने 50,000 बनाई 20,000 ही जाएगा रेंट, मैंने 1 लाख बनाई उसे कोई मतलब नहीं 20,000 ही जाएगा रेंट।
मैं अंदर एक बच्चा पढ़ा रहा हूँ, दो पढ़ा रहा हूँ, 20 पढ़ा रहा हूँ, 50 पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं। अगर कोई रेंट दे रहा था, मैं पहले दे ही रहा था, तो वही दे रहा था। इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कॉस्ट फिक्स्ड है। क्लियर बात समझ में आती है बात? या मैंने कोई लोन ले रखा है 20 लैक्स का, ठीक है, हर महीने उसकी किस्त जाती है बेटा 50,000 रुपये। सर मैं 0 बच्चे पढ़ाऊं, एक पढ़ाऊं, दो पढ़ाऊं, चार पढ़ाऊं, 50 पढ़ाऊं, 100 पढ़ाऊं, 500 पढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50,000 रुपये जाने ही जाने हैं। कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने 2 एग्जांपल और ऐड कर दिया आपके कल वाली बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का समझ में आती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा? नाम से समझो, वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के साथ साथ बदलेगी। आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, और आउटपुट गिरेगा तो ये कॉस्ट भी गिरती चली जाएगी, ठीक है ना जी? तो वो कल हमने ये शेड्यूल आखिरी में देख लिया था कि फिक्स कॉस्ट फिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रही है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है बेटा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कितना मैंने रिवाइज करा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आएगा? टीएफसी की शेप कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अरे यार इतना तो बोलिए तो, ठीक है जी? और बेटा ये दोनों की शेप कैसी होती है? इनवर्स एस शेप, है ना बेटा? एस बेसिकली हम ऐसे, अरे यार, इनवर्स एस शेप, एस बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं, तो ये उल्टा एस बनता है। जब आप मिरर इमेज देखोगे तो मिरर में एस दिख सकता है, इनवर्स एस शेप कर्व बनता है, ऐसे ही बनता है। बाबू जो टीसी है, टोटल कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, ये तो बदली नहीं, हर जगह पर सेम है, इसकी पूरी शेप, टीसी की भी पूरी शेप देने वाला टीबीसी के। टीसी की भी शेप कैसी थी? इनवर्स एस शेप कर्व ही था, कल हमने ये डिसाइड कर लिया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब कुछ बात करो मुश्किल, कोशिश करना डाइजेस्ट करो एक बारी, ठीक है? बहुत मुश्किल बात है, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है? बुक क्लियरली इन चीजों को क्लियर भी नहीं करते, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक ही बारी में अच्छे से क्लियर करूं। पहली बार में जो समझ में आएगा वो दूसरी तीसरी बार में कभी नहीं आएगा, मैं रिपीट तो 2-3 बार जरूर कर दूंगा। बहु ये देख रहे हो आप, टीबीसी का थोड़ा सा बढ़ने का तरीका, पहले कोई कॉस्ट इंकर हुई, फिर ये कॉस्ट गिरी, फिर ये कॉस्ट बढ़ी, और बढ़ी तो क्या, रुकी नहीं, बढ़ती गई। ऐसा क्यों? इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद भी नहीं रहेगा, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होगा। आपको लगा है ये कौन सा लॉ था, याद है कुछ? बताएगा कोई मेरे को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था? हैंड रेस करना तो बताना चाहता है, भैया चैप्टर नंबर 5 करा, हमारे पेपर में आ रहा है प्रोडक्शन, देख लो वाला। बहुत हालात तो देखो, बनना पढ़ाई भी तो पढ़ाई के। बहु वहां पर ना एक बात आती थी, फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर टीपी एमपी। अब मैंने शेड्यूल पढ़ा था, फिक्स फैक्टर तो हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है जी? मैं फिक्स फैक्टर मान लेता हूँ, मेरे पास 2 मशीन है, वेरिएबल फैक्टर पहले कोई नहीं है, फिर वेरिएबल फैक्टर मैं धीरे धीरे करके बढ़ाता गया। मेरे एग्जाम्पल में वेरिएबल फैक्टर मेरी लेबर है। वहां पर हम पढ़ते थे बेटा, अब अगर आप फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रख दो और बेटा इंक्रीज करते चले जाओ वेरिएबल फैक्टर में, देन टीपी इनिशियली इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। याद तो आता है, ऐसे ही पढ़ा था। शुरू में टीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, देन डिक्रीजिंग रेट से, देन नेगेटिव रेट से, ऐसा पढ़ा था। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
मुझे कभी कभी लगता है मुझे मेरे में कोई दिक्कत है भैया, मैं नहीं समझा पाता। फिर मुझे लगता है निठल्ले हो, मैं कहता नहीं हमें कोई नहीं समझा सकता तुम। एक बारी को ना भाई साहब अनपढ़ को पढ़ाना आसान है, तुम जैसे पढ़े लिखे तो आधे अधूरों को जिनका कभी मन ही नहीं है पढ़ाई में, तुम्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जिनकी नीयत नहीं होती ना उनको पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। और ईमानदारी से बेटा अपनी नीयत के बारे में सोचना कितना पढ़ना चाहते हो। अगर आज पेरेंट्स प्रेशर हटा देना तुम अगले दिन नहीं पढ़ना चाहते, अलार्म नहीं हो गया इरादे से, ये नहीं देखते कि हमने कुछ अपना भविष्य बना लेना। चलो खैर छोड़ो बाबू, अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रख लें और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले जाएं, टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, सॉरी देन एट अ नेगेटिव रेट, ऐसे ही बढ़ा था मैं। और ऐसा हो भी क्यों रहा है आप थोड़ा सा ये भी समझो। मेरे पास दो मशीन है मान लो, ठीक है, यहीं दो मशीन रखी हुई है, एक मशीन कटिंग की और एक स्टिचिंग की, और मैंने वेरिएबल फैक्टर लेबर रखी एक। बाबू एक लेबर थोड़ा सा कम ही प्रोड्यूस कर पाए, क्यों? क्योंकि उसका टाइम बट रहा है, आधा टाइम कटिंग में एक मशीन में बैठता है, आधा टाइम स्टिचिंग में एक मशीन में बैठता है, उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा जितना होना चाहिए। जैसे ही मैंने लेबर बढ़ाकर दो कर दी, अब बढ़ेगा प्रोडक्शन। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बेटा एक आदमी प्रॉपर्ली कटिंग में बैठ गया, एक स्टिचिंग में बैठ गया, पूरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है और दोनों मशीन पूरी पूरी चल रही है। इसलिए बेटा शुरू में प्रोडक्शन बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल फैक्टर जैसे ही बढ़ाकर तीन करे, अब कहीं ना कहीं बेटा फिक्स फैक्टर की अपनी लिमिटेशन है कि उसको फिक्स ही रखना है, कॉन्स्टेंट ही रखना है। मशीन दो ही, आदमी तीन रख लिए, एक का टाइम बिरान होगा, बर्बाद होगा दिखाई दे रहा है। चार रखूंगा और बिरान होगा, पांच और छह रखूंगा वो बिरान और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बेटा शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद तो नेगेटिव रेट आता है। उसके बाद क्या होता है, फिक्स फैक्टर तो लिमिटेड है ही है, जो पांच छह आदमी होंगे वो बैठ के गप्पे मारने बैठे थे, उन्होंने जो काम करते थे उनको भी काम करने नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये हालात पैदा होते थे। याद है अभी ये बात मैंने डिस्कस की भी थी, इनके रीजन थे हमारे कोर्स में। अभी तक मैंने जो बात बोली समझ में? इसकी वजह से कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है? अब आपको लग रहा होगा कॉस्ट पे इसकी वजह से कहां से फर्क पड़ गया? बेटा यही तो सारा फर्क पड़ा। इनिशियली जो आउटपुट बढ़ता है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। पहले मैंने कोई यूनिट नहीं बनाई, कोई कॉस्ट नहीं आई, जैसे ही मैंने यूनिट बनाई कोई कॉस्ट आई, जैसे ही मैंने यूनिट बढ़ाने की कोशिश करी। अब एक बात समझो, यूनिट बढ़ाने की कोशिश करी मैंने, जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए होंगे मेरा आउटपुट बढ़ा होगा इंक्रीजिंग रेट से, मेरा आउटपुट बढ़ा होगा इंक्रीजिंग रेट से। जैसे ही वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा होगा मुझे ना उसकी कोई कॉस्ट दिखाई नहीं देगी, कमी लगेगी मुझे उसकी कॉस्ट। क्यों लगेगी? मैं कह आप दो आदमी रखे, एक आदमी अकेला बनाता था 10 आउटपुट, दो रखे ये आउटपुट 30 कर दिए इन्होंने, यार मुझे तो कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही। मतलब पहला आदमी भी 10,000 में था, दूसरा भी 10,000 में था, लेकिन मेरा प्रोडक्शन डबल कर दिया इन्होंने, मुझे तो क्या लगेगा? मुझे लगेगा यार इस आदमी को रखने की मुझे कोई कॉस्ट नहीं है, इतना तो प्रोडक्शन कमा बढ़ाकर दे दिया, इतना कमा कर दे दिया, कॉस्ट तो मेरी गिरी है। समझ गए ना? आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट के कंपैरिजन में मुझे कोई कॉस्ट लगेगी नहीं, इस वजह से बेटा इनिशियली कॉस्ट गिरती है। लेकिन फिर जैसे ही मैंने आदमी एम्प्लॉय करे, तीन चार पांच छह, क्या होगा? तीन आदमी आगे मशीन दो, एक आदमी खाली बैठने लग गया। अब मैं पे तो सैलरी उतनी कर रहा हूं 10,000, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं मुझे दिखाई देगा, यार ये तो कॉस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, सैलरी बुरी लेके जा रहा है, प्रोडक्शन वैसा बढ़ा नहीं रहा जैसे बढ़ा रहे थे दो लोग। चौथा आ गया और समय खराब होने लग गया, मेरी कॉस्ट और बढ़ने लग गई। पांचवा आ गया, भाई फिक्स फैक्टर बढ़ नहीं रहा, उसकी अपनी लिमिटेशन है। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट सबकी 10,000 रुपए चाहिए जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। तो इसी वजह से बेटा अल्टीमेटली ये कॉस्ट बढ़ती 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 चली जाती। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बेटा टीवीसी की पूरी शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से है। देखो मैंने यहां पे क्या बोला था, इफ वी अज्यूम द फिक्स फैक्टर एज कॉन्स्टेंट और इंक्रीज करते चले जाए वेरिएबल फैक्टर में, देन इनिशियली टीपी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। सेम बात अगर मैं बोलना चाहूंगा कॉस्ट के लिए, कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट, देन एट अ कॉन्स्टेंट रेट लगभग लगभग बराबर रहती है, चार के बराबर ही है लगभग। पहले तो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी, फिर कॉन्स्टेंट रेट पे बढ़ेगी, देन एट अ इंक्रीजिंग रेट। कॉस्ट के लिए सारी बातें उल्टी हो जाती है।
आउटपुट बढ़ता रहेगा पार्टनर की तरह, तो कॉस्ट दिखेगी नहीं। आउटपुट गिरना शुरू हो जाएगा या नेगेटिव रेट पे बढ़ेगा तो मुझे कॉस्ट बहुत महंगी दिखाई देगी। ये सारी बातें लो वेरिएबल प्रोपोर्शन से, क्या मैंने बात क्लियर करी आपको? पक्का से समझ में आई बात? क्लियर है बात? इधर देखना चाहिए सर, आज चाहे थोड़ा कम हो जाए पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मुश्किल लेक्चर है, लेक्चर बहुत अच्छा सा क्लियर होना चाहिए। टीएफसी की शेप कैसी थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। अगर बेटा आज से नहीं पढ़ोगे ना, फाइनल में रो दोगे। इको का इतना सिलेबस होगा, ध्यान रखना। इसे वार्निंग समझना है, वार्निंग समझ लो, ठीक है? ये चेतावनी है, रो दोगे, इतना सिलेबस है इको का। इसका आधा भी सिलेबस नहीं है ट्वेल्थ इको का, आधा भी नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इको के तीनों सब्जेक्ट के, सॉरी ट्वेल्थ के तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स बिजनेस इको, मैंने फाइनल तक का बोर्ड तक का सिलेबस पैक कर दिया। 1 अक्टूबर से रिविजन बैच है, आप सबने स्टोरी शेयर की है। सारा कोर्स तीन बुक है अकाउंट्स की, तीनों खत्म। दो बुक है इको की, दोनों खत्म। दो बुक है पीएचडी की, दोनों सब खत्म। आपका जितना सिलेबस है उसका आधा सिलेबस नहीं है ट्वेल्थ क्लास। हाँ जी, सामने देखना जी बाबू, टीएफसी की शेप है। इधर देखो मेरी तरफ, टीबीसी की शेप, इनवर्स एस, कुछ ऐसा है ना बेटा। टीसी की कोर्स इनवर्स एस, कुछ ऐसा है ना। मेरी तरफ देखते रहना, अभी मेरी तरफ देखते रहना, बिल्कुल सामने ही देखते रहना बेटा। शुरू में जब ये कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, मैंने अभी दिखाया बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये डिक्रीजिंग रेट है। उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे भाग बढ़ने शुरू हो जाती है। ये शेप इसी वजह से आती है इसकी इनवर्स। सेम बात इसके लिए भी है बेटा, इसकी पूरी शेप टीबीसी की वजह से थी ना, टीएफसी को फिक्स किया। तो बेटा ये जो दिख रहा है ना शुरू में स्लो बढ़ रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट है, उसके बाद एकदम बढ़ती है। इसी वजह से इसकी शेप ऐसे आती है। क्लियर है बात? सर मैं पूरे जान लगा रहा हूं और स्लो कर दिया मैंने स्पीड, अगर आपने देखो अभी मैंने कुछ भी नया नहीं करा है। पिछला कंफर्म कर दो, बताओ अभी तक इतनी बात कोई दिक्कत? सारी बात समझ में आ गई पक्का से? अच्छा, पेपर में 5 मार्क क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीवीसी एंड टीएफसी। मैंने नोट्स दे दिए इसके, लेकिन नोट्स देखने नहीं है, सामने देखो क्या लिखे गए। 5 मार्क्स का रिलेशन आ गया, 5 ही पॉइंट लिखूंगा एटलीस्ट। क्या लिखो रिलेशनशिप में बेटा? पहला पॉइंट टीएफसी की शेप के बारे में लिखो। अब क्या बताओगे? टीएफसी क्योंकि फिक्स्ड है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू दैट एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट है। दूसरा, इन दोनों की शेप के बारे में लिखो कि टीसी और टीवीसी की शेप इनवर्स एस शेप कर्व बनाती है। क्यों बनाती है? रीजन लिख दो, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि इनिशियली कॉस्ट इंक्रीज हो गया एट द डिक्रीजिंग रेट, दैट एन अ कॉन्स्टेंट रेट, देन एट द इंक्रीजिंग रेट। कॉस्ट के लिए तीनों बातें उल्टी हैं, ठीक है? प्रोडक्शन के लिए तीनों बातें उल्टी थी। इंक्रीजिंग रेट पे पहले प्रोडक्शन बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट पे देन नेगेटिव रेट पे। कॉस्ट पहले बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट पे, कॉन्स्टेंट रेट पे, फिर इंक्रीजिंग रेट पे। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट में दिक्कत है क्या? इतना लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट सुनना बेटा, एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, प्लीज सामने देखो, एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल पे क्या होगा? जीरो लेवल पे क्योंकि कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, मैं एक भी यूनिट ना बनाऊं तो मैं लेबर क्यों रख रहा हूं, या मेरा एक भी यूनिट लगेगी रॉ मटेरियल की, या मैं कुछ भी दूंगा लेबर को? मैंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना, कोई रॉ मटेरियल खरीदूंगा नहीं, लेबर रखूंगा नहीं, तो मेरी कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी ना, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है ना, है ना बाबू? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, इसी वजह से जीरो लेवल पे टीसी और टीएफसी बिल्कुल बराबर होते हैं। ये जीरो लेवल है, जीरो है ना ये बाबू, ये देखो जीरो लेवल पे टीएफसी और टीसी दोनों बराबर है कि नहीं है? तीन पॉइंट समझ में, कैसे बराबर है आप शेड्यूल से भी देख सकते हो।
बाबू एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 12। वेरिएबल कॉस्ट तो 3 ही, टोटल कॉस्ट कितनी है? 12। ये दो तो बराबर है कि नहीं बराबर? तो वो बराबर दिखाई नहीं देते टाइम, बताओ फटाफट से। 3 पॉइंट। बहुत सारे बच्चे जिनके हाफ एयरली में चैप्टर आ रहा है तैयारी कर लो, लिख रहे होंगे आप। रेनबो का एग्जाम था अगले दिन, पिछले दिन मैं प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया और मैंने यही बोला कल आप लिख रहे होंगे, 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, लिख रहे होंगे बोला था, तो अभी बता रहा हूँ लिख रहे होंगे आप ये टॉपिक। चलो जी इधर देखो जी, 3 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या? नहीं। पहले के पॉइंट क्या लिखा? टीसी की शेप, सॉरी टीएफसी की शेप कैसी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड पॉइंट क्या लिखा? टीसी और टीवीसी की शेप इनवर्स है, शेप कर्व है, क्यों है? ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनिशियली कॉस्ट इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट, देन कांस्टेंट रेट, देन इंक्रीजिंग रेट। तीसरा पॉइंट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी, क्यों? क्योंकि बेटा जीरो लेवल आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कुछ होती नहीं, वो जीरो होती है। आगे बढ़ाए इधर देखो, चौथा पॉइंट बाबू सब सामने दिख रहे हैं, टीसी और टीवीसी दोनों पैरेलल कर्व होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, और इनके बीच जो डिफरेंस होगा, जीरो पे जो डिफरेंस होगा, 1 पे जो डिफरेंस होगा, 2 पे जो डिफरेंस होगा, 3 यूनिट पे डिफरेंस होगा, 4 यूनिट पे होगा, 5 यूनिट पे होगा, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा एंड इट इज ऑलवेज इक्वल इन टू टीएफसी, क्यों? कल भी मैंने बात बोली थी, अगर टीसी, सुनते रहना बेटा, अगर मैंने ये पूछा और बताया ना गया तो आज मुझे भी कसम है बेटा टांगे तोड़ दूंगा। बेटा मैंने क्या बोला? टीसी कर्व और टीवीसी कर्व दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्यों पैरेलल है बेटा? क्योंकि टीसी की शेप ही टीवीसी की वजह से, टीएफसी तो कांस्टेंट ही है टीसी में से, है ना? तो दोनों कर्व पैरेलल है और हमेशा इनका जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, और हमेशा टीएफसी के बराबर होगा, इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट क्यों होगा इनका डिफरेंस? बेटा देखो टीसी किससे मिलकर बना है? इन दोनों से मिलकर बना है। अगर मैं कह रहा हूं टीसी और टीवीसी का डिफरेंस हमेशा टीएफसी के बराबर होगा, गलत बोल रहा हूं मैं तो, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। टीसी में से अगर मैं टीएफसी को इधर ले आऊं माइनस में आएगा, किसके बराबर होगा? इन दोनों का डिफरेंस टीएफसी के बराबर होगा और टीएफसी कांस्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। मेरे एग्जांपल में 12 का डिफरेंस रहेगा हमेशा, ये देखो ये 0 ये 12, डिफरेंस 12 का। बाबू ये फर्स्ट लेवल पे है 6, ये 18 है, 18 माइनस 6 फिर 12, ये थर्ड लेवल पे कितना है? 22। बाबू 22 और 10 फिर 12, डिफरेंस देखते चलते जाओ। ये देखो टीसी माइनस टीबीसी करो, 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6 12, भाई जो मर्जी करो, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच हमेशा बराबर बना रहेगा, हमेशा 12 का डिफरेंस रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है आगे बढ़े। 4 पॉइंट मुझे बताओ, 4 में से क्या समझनी है? पहला दोनों तो दोनों की शेप पे ही है, दूसरा मैंने बताया 0 लेवल पे टीएफसी और टीसी बिल्कुल बराबर है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है तो ये दोनों बराबर है। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? ये दोनों पैरेलल कर्व है और इनका डिस्टेंस जो है, इनका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है और इक्वल इन टू टीएफसी। ठीक है पांचवा और आखिरी, बेटा टीसी और टीएफसी का वर्टिकल डिफरेंस हमेशा टीवीसी के बराबर होगा, तो मैंने कोई अनोखी बात थोड़ी करी, पहले इन दोनों के डिफरेंस की बात कर ली, अब मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। इधर देखना टीसी किसके बराबर है? टीवीसी प्लस टीएफसी के। चौथे और पांचवे पॉइंट में थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज है, वो सुनना, हल्की सी फर्क की बात कर बाबू। अगर मैं कहूं टीसी और टीएफसी का वर्टिकल डिफरेंस टीवीसी के बराबर है तो गलत कह रहा हूं, या मैंने क्या किया टीवीसी को उधर ले लिया और मैंने बोला टीसी और टीवीसी का डिफरेंस जो है वो हमेशा टीएफसी के बराबर है, बट मैंने यहां ये भी बोला कि ये हमेशा कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि टीवीसी हमेशा 12 है। मेरे एग्जांपल यहां मैं क्या बोल रहा हूं,
इन दोनों का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो हमेशा टीवीसी के बराबर है, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कांस्टेंट है, टीवीसी कभी कांस्टेंट नहीं होता, ये हमेशा बढ़ रहा है, ये देखो हमेशा बढ़ रहा है, यहाँ तो कांस्टेंट है ना, हमेशा 12 का डिफरेंस रहेगा, वहां हमेशा 12 का थोड़ी रहेगा डिफरेंस, समझ आया फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट मैंने कैसे बोला, क्लियर है? सम अप कर देता हूँ फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट एक बार दोबारा से, ठीक है? शुरू में तीन मुझे पता लिखे जाएंगे बेटा, टीसी कर और टीवीसी कर दोनों पैरेलल है बेटा, ये बात मैं ऐसे नहीं बोल सकता, टीसी और टीएफसी पैरेलल है, ये पैरेलल दिख रहे हैं आपको, अगले पॉइंट में नहीं बोलूंगा ये, टीसी और टीवीसी पैरेलल है, इनका वर्टिकल डिफरेंस वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा टीएफसी के बराबर है और हमेशा कॉन्स्टेंट है क्योंकि टीएफसी कॉन्स्टेंट है, ठीक है? अगली लाइन फिफ्थ पॉइंट, TC और TFC का वर्टिकल डिफरेंस या डिस्टेंस हमेशा TVC के बराबर होगा, बट ये कांस्टेंट नहीं होगा और ना ही दोनों का पैर, समझ आए बच्चों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए, ठीक है बाबू? मैं एक बार स्क्रीन पर ले आता हूं, आप एक बार पढ़कर बता देना सर बेटा, ये लिखे हुए मैंने 5 पॉइंट, पेपर में 5 नंबर है तुम्हारे लिए, पढ़ो फटाफट से। वो फिफ्थ पॉइंट में मैंने लिखा टीसी और टीएफसी कर पैरेलल है एक दूसरे के, यही बात बताई मैंने, एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, ये बात मैंने कल भी बता दी थी, टीसी की पूरी शेप टीएफसी टीवीसी की वजह से, टीएफसी तो कॉन्स्टेंट है तो ये एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे आप, बाबू उसके बाद नोट्स में लिखा गया है कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच वो हमेशा सेम है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, और वो जो गैप है वो रिप्रेजेंट करता है टीएफसी, ये बात मैंने बताई, इन दोनों के बीच जो हर लेवल में डिफरेंस है वो बराबर है और वो डिफरेंस हमेशा टीएफसी का होगा, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, टीसी अगर टीवीसी और टीएफसी के बराबर है, अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो वो टीएफसी के बराबर ही तो होगा, और टीएफसी हर लेवल पे कॉन्स्टेंट है 12 12 12, तो डिफरेंस भी क्या होगा 12 12 12 होगा कॉन्स्टेंट रेट, ये बात मैं बोल भी चुका हूँ बेटे, ठीक है ना? मैं हमेशा बताता हूँ ये बात को बेटा, टीचर का काम क्या होता है, चीजों को सिंप्लीफाई करना, जितना नोट्स में लिखा है उससे आसान भाषा में मैं यहाँ बोलता हूँ, अगर आप मेरी नहीं सुनते ना, बाद में नोट्स को पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, बस बात सीधी से इतनी, ठीक है जी बेटा? अब मैं जिनके लिए चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान रखना कल ये टॉपिक याद हो, ठीक है? कल जाके वो नोट्स पूरे खत्म होंगे जो मैंने, ठीक है? और कल मेरे पास सुनने के लिए कुछ ना कुछ मिनट बचेंगे, मैं सुनूंगा जरूर, रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।